राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ आषाढ़ मास में आने वाले गुप्त नवरात्रे कब से कब तक हैं। बंधुओं, गुप्त नवरात्रि में पूजा कैसे करें। गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। गुप्त नवरात्रि का महत्व क्या है। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बंधुओं, हर वर्ष साल में चार नवरात्रि आते हैं। दो नवरात्रि गुप्त जो कि माघ मास और आषाढ़ मास में होते हैं, और दो नवरात्रि जो कि सब लोग जानते हैं, जिनमें से एक चैत्र मास में आते हैं, दूसरे आश्विन मास में आते हैं। बंधुओं, कहा जाता है आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्रि के व्रत करने से माँ हर इच्छा पूरी कर देती है। गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से व्रत करें और ऐसा किसी को भी ना बताएं कि हमने व्रत किए हैं। पूजा पाठ भी गुप्त रूप से करें। ऐसा करने पर माँ शीघ्र हाथों हाथ अपने भक्त की इच्छा पूरी कर देती है। बंधुओं, आषाढ़ गुप्त नवरात्रे 2022 में 30 जून को शुरू हो रहे हैं। 30 जून को गुरु पुष्य योग, सर्वास सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आडल योग और विडाल योग बन रहे हैं। इस दिन ध्रुव योग सुबह 9:52 तक रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र 1:07 AM से जुलाई 1 तक रहेगा। बंधुओं, सनातन परंपरा में नवरात्रि की तिथियों को बहुत महत्व दिया गया है। नवरात्रि में माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। बंधुओं, आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे विशेष फल देने वाले हैं। देवी माँ के 10 महाविद्या स्वरूप की साधना से जीवन के कष्टों का समाधान होता है। इस बार नवरात्रि में खासियत यह है कि कई अलग अलग योग इसे और अधिक महत्वपूर्ण बना रहे हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2022 के पहले दिन 30 जून को गुरु पुष्य योग, सर्वांग सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, आडल योग, विडाल योग बन रहे हैं। इस दिन ध्रुव योग सुबह 9:52 तक रहेगा। पुनर्वसु नक्षत्र 1:07 AM से जुलाई 1 तक रहेगा। इसके अलावा पुष्य नक्षत्र का भी निर्माण हो रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सभी योगों को शुभ कार्यों के लिए उत्तम बताया गया है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना 30 जून 2022 गुरुवार को होगी। गुप्त नवरात्रि प्रतिपदा तिथि 29 जून को सुबह 8:21 से 30 जून को सुबह 10:49 तक रहेगी। घट स्थापना मुहूर्त सुबह 5:26 से सुबह 6:43 तक 30 जून को रहेगा। क्योंकि बंधुओं, उदय तिथि 30 जून को है, इसीलिए 30 जून से ही गुप्त नवरात्रि शुरू माने जाएंगे। बंधुओं, गुप्त नवरात्रि में कैसे पूजा करें। गुप्त नवरात्रि में आधी रात में माँ दुर्गा की पूजा की परंपरा है। सबसे पहले माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें, फिर माँ को लाल सिंदूर चुनरी अर्पित करें, माँ के चरणों में पूजा सामग्री अर्पित करें, पूजा में लाल फूल अवश्य चढ़ाएं, फिर सरसों के तेल का दीपक जलाएं, ओम दुम दुर्गाए नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। बंधुओं, जो मनुष्य भी गुप्त नवरात्रि में गुप्त रूप से व्रत करते हैं और गुप्त रूप से पूजा पाठ करते हैं,
माँ उनके सभी मनोरथ शीघ्र पूरे कर देती है। बंधुओं, आषाढ़ की गुप्त नवरात्रि का तंत्र मंत्र सिद्धि साधना के लिए विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है तंत्र मंत्र की सिद्धि के लिए इस समय की गई साधना शीघ्र फलदायी होती है। इस नवरात्रि में माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूम्रावती, माँ बगलामुखी, मातंगी और कमला देवी की पूजा की जाती है। बंधुओं, जो कोई मनुष्य चाहता है कि माँ हमारे मनोरथ पूर्ण करें, हमें हाथों हाथ फल मिले, तो आप गुप्त नवरात्रि का फायदा अवश्य उठाएं, माँ के व्रत करें और साथ ही गुप्त नवरात्रि में अधिक से अधिक माता की पूजा आराधना करें। देखना माँ कैसे तुम्हारी झोली खुशियों से भरती है। आपके घर में किसी प्रकार की कोई कमी ना रहेगी यदि आप आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि में पूजा आराधना करेंगे और माँ को भोग लगाएंगे। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करना। धन्यवाद।